और प्रमोशन करके लौटा हूँ, लगल रहा बता सका। और आज देसी हीरा फिल्म मैं इसलिए घुमा था, मुझे याद है फिल्म का नाम, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल के जो भी दर्शक देख रहे हैं, वो भी इस तरफ उनका भी ध्यान जाए। देसी हीरा फिल्म बन रही है, एक विवेक जी मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम संजय जी है। आजकल संजय भाई बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए संजय जी ने अपना नाम विवेक जी रख लिया है। एक संजय भूषण पटियाला जी, संजय बॉलीवुड। और केके जी, फिल्म जी का नाम है देसी हीरा, और आप हीरा से कम नहीं लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली इसका हीरा तो मैं ही हूँ, इसी रूप में, हीरे के रूप में ही नज़र आऊँगा। हाँ, हीरे को चमकाने वाला जो विवेक जी है, वो देखता हूँ कि वो हीरे को कितना चमका पाते हैं, उसको कि जितना घिसेंगे, हीरा को जितना घिसेंगे उतना चमकेगा। तो अभी तक तो मैं पत्थर हूँ, संजय जी जो विवेक जी हैं वो घिस घिस कर मुझे हीरा बनाएंगे। फिल्म में काफी नए लोग नजर आ रहे हैं, किस तरह से लोगों को सपोर्ट आप लोग सीनियर कलाकार करते हैं? हर कोई शुरू में नया ही होता है, कभी मैं भी नया था, कभी आप भी नए थे, हर कोई कोई कभी ना कभी नया ही होता है, और आगे चल के सब कोई पुराने बन जाते हैं। तो अभी नया नहीं बोलना चाहिए, सब काम कर चुके हैं लोग, और बस ईश्वर करे इनकी ये फिल्म अच्छी चले, अच्छी बने और अच्छी तरह से रिलीज हो जाए, यही शुभकामना देता हूँ। अमर पाली जी के साथ आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को, जी जी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आम्रपाली जी एक उम्दा किस्म के कलाकार हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने लगल रहा बताशा में इतनी अच्छी एक्टिंग की है, फाइन एक्ट्रेस, शी इज़ वेरी फाइन एक्ट्रेस। और मनोज टाइगर जी हैं उसमें, और भोजपुरी के सारे दिग्गज कॉमेडियन, आनंद मोहन जी, प्रकाश जयस जी, महेश आचार्य जी, दिलीप पांडे और मनोज टाइगर जी तो है ही हैं भाई, इतने बड़े कलाकार। फिल्म आ रही है, देखिए आप लोग, लगल रहा बताशा बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने भी उसमें रोल किया है। आम्रपाली जी ने जो किया है उसमें दो तीन तीन शेड दिया उन्होंने, एक बुजुर्ग का भी रोल किया है, वो बुढ़ी कैसी बुजुर्ग लगी है वो, और देखने के लिए आप लोग आइए, लगल रहा बता। शूटिंग के दरमियान कभी लाइन मारते थे उन पे? मैं नहीं लाइन मारता हूँ, आम्रपाली जी को क्या लाइन मारूँ, सब अक्सर हीरोइन शिकायत करते हैं कि केज मेरे ऊपर लाइन मारते रहते हैं। कोई हीरोइन ऐसा नहीं बोलती हैं, सब आप लोग मस्ती करते रहते हैं। सारी हीरोइनें मुझे बहुत प्यार करती हैं। कैसा लगा प्रमोशन बिहार में? अरे बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक एक जगह मधुबन में 50,000 पब्लिक, छपरा में लाखों पब्लिक के बीच, और रेडियो स्टेशन पर, और हर जगह जहाँ जहाँ भी गया हूँ प्रमोशन के लिए, वहाँ के पब्लिक ने, वहाँ के दर्शकों ने आड़े हाथों लिया है, बहुत इज्जत दिया है, बहुत प्यार दिया है। मैं मुझे बहुत खुशी हुई बिहार जाके, बहुत दिनों के बाद मैं बिहार गया था, और मज़ा आ गया बिहार में, और मतलब कमाल कमाल के पब्लिक हैं बिहार के लोग। अब भोजपुरी देखते रहिए, हिंदी भी देखते रहिए, जो भी भोजपुरी फिल्में आ रही हैं, अच्छी फिल्म आती है उसे स्वीकारिए, और अच्छी फिल्म को बढ़ावा दीजिए। जो आप लोगों का शिकायत था, जो आपकी ये शिकायत थी कि भोजपुरी में अनाप शनाप फिल्में बनाई जाती है, अभी धीरे धीरे वैसी फिल्में बननी बंद हो गई है, सब अच्छी फिल्में बन रही है, और अगर आपको अच्छी फिल्म देखने को मिलती है तो आप लोग सिनेमा हॉल तक ज़रूर आइए, फिल्म देखिए। थैंक यू। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ के गोस्वामी। देखिए, वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं मेरे जो न्यू जनरेशन के दोस्त हैं उन सबको मैं हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलता हूँ, लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है, हम हैप्पी दीपावली बोलते हैं, हैप्पी होली बोलते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी बोलते हैं। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, जब कृष्ण जन्माष्टमी होता है, हमारा वैलेंटाइन वो होता है, लेकिन फिर भी जो भी मेरे भाई बहन दोस्त वैलेंटाइन मनाते हैं, आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्रमोशन के लिए आप
फरवरी का महीना है, प्यार मोहब्बत का महीना बोला जाता है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अब प्यार मोहब्बत का महीना, फरवरी का महीना वैसे वैलेंटाइंस वालों के लिए प्यार मोहब्बत का महीना बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो जन्माष्टमी होता है, जो भादों का महीना जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म होता है, जब कृष्ण भगवान धरती पर पधारते हैं, वो हम लोगों का वैलेंटाइंस होता है और मोहब्बत, प्यार मोहब्बत का वो महीना होता है। तो फिर भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी फरवरी। कोई लकी नंबर है आपके लिए, कैरियर के लिए आपके लकी नंबर, लकी कलर है आपके लिए कुछ? मेरा लकी नंबर मेरा लकी नंबर 4 है 3 है 7 है, रामचंद्र जी हैं, पवन जी हैं, संजय जी हैं। ओ माय गॉड, मम्मी लड़की देख रही है। सही बात है क्या? बिल्कुल ये गलत बात है, मैं शादी एक कर चुका हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं पत्नी वरता हूँ, मैं अपने पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं पत्नी की पूजा करता हूँ। नमस्कार प्रणाम, नमस्कार प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबका प्यारा के गोस्वामी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, हमारे देश पर किसी की नज़र न लगे। हमारा देश अभी जिस तरह तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज्य में, इसी तरह तरक्की करता रहे। थैंक यू, लव यू। हाँ, ये मेरी फर्स्ट मूवी है, दिस इज माय फर्स्ट मूवी, तो मैं पहली बार काम कर रही हूँ मूवी। हाँ, फर्स्ट टाइम, अभी पता तो नहीं है मुझे कुछ इस बारे में, पर अच्छा लगा सब लोग से मिलके, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलके अच्छा लगा। और हमारे दोस्तों को किस तरह का रोल है लीड? लीड तो है इसमें, आप किरदार किस तरह का? पूरी फिल्म में क्या करने वाले हैं, क्या जाने वाले? मेरा एक्चुअली एक फॉरेन गर्ल का रोल है, उसमें मैं प्ले करूंगी। देसी हीरा का पार्ट बनके कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड भी हूं और थोड़ी नर्वस भी हूं, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट मूवी है, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, पूरी टीम की बात की जाए, तो क्या है? बहुत अच्छे है सब, मुझे सब पसंद आए। इसमें जो आपके हीरो हैं यानी हीरा के हीरो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली हीरो से मिली भी नहीं हूँ और देखी भी नहीं हूँ हीरो को, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। बट कैसे ट्रेनिंग रहने वाली है? अच्छी रहेगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपने क्या किया है और आगे क्या आप? एक्चुअली मैंने अभी तक मॉडलिंग की हूँ, और फर्स्ट मैंने मॉडलिंग दिल्ली में किया था मिस इंडिया का, एंड सेकेंड मैंने लखनऊ में किया था, उसकी मैं विनर थी, मिस एलिगेंट फेस ऑफ इंडिया। और आगे का कुछ एम है? हाँ, अभी करने चाहूँगी मूवी आगे भी, अलग अलग टाइप की भी करना चाहूँगी। किस तरह किरदार जीना या किरदार निभाना आपका? जो कोई भी मिल जाए मैं तो सब ट्राई करूँगी। ऑडियंस से क्या करना चाहते हैं? बस यही बोलूँगी कि आई विल डू माय बेस्ट और अच्छा करूँगी सब। देसी हीरा मैं बता दूँ आप लोगों को, ये बहुत मेरे जहन में दिमाग में चल रहा था कि एक भोजपुरी मूवी का न्यू दिया जाए, और संस्कारी एक मूवी है, साफ सुथरी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक देसी हीरा का मतलब है कि एक गांव का जो लड़का है और अच्छा से उसको किसी के घर में काम कर रहा होता है, और वो अपने को सोचता है कि मैं इंसान भी हूँ और देखने में सभी से अच्छा इंसान है, और वो दूसरे के घर में रहता है, और उसको क्या है कि जो उसके जिसके मुताबिक वो काम करता है उसको लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मेरा नौकर है। क्या आज के दिन में ऐसा नहीं है कि कोई किसी के घर में काम करता है तो नौकर हो, उससे भी अच्छा बन सकता है, और जो जागीरों के राजा लोग होते हैं उनके घर में अगर काम करता है तो लोग सोचने लगते हैं कि ये तो मेरे पैर से दबा हुआ है, लेकिन वही हीरा ऐसा निकलता है जो कि गांव से नहीं, जवार पथार जितना भी अपना क्षेत्र होता है
सबको एक मैसेज देता है कि मेरा जो गांव का संस्कार है वो बरकरार रखे, वही देसी हीरा है। और देसी हीरा का एक और पहलू है कि वो लड़का का कभी ऐसा नहीं है कि वो कहाँ किससे प्यार करेगा, किससे की शादी करेगा, ऐसा भी होता है कि तेरा तो कोई, उसको हर कोई देख करके जलता रहता है, लेकिन उसको ऐसी हीरा मिलती है उसको, ये फौरन की लड़की फेसबुक से पढ़ती है और वो यहाँ पे आती है। और वो लड़की ऐसी है कि वो अपने कल्चर्स, जो हिंदुस्तान के कल्चर्स होती है, उस कल्चर्स को उसने याद दिलवाती है कि तुम्हारा कल्चर्स क्या है, तुम्हारा संस्कार क्या है, वो आ करके। और शायद वो हमारे हिंदुस्तान के रिसर्च की हुई है तो वही आ करके यहाँ पे दिखाती है। ये मेरा देसी हीरा है। और मैं चाहता हूँ कि एक भोजपुरी का नया न्यू हो, जो जैसे लोग एक तरह से हमारा जो संस्कार है, जो हमारा सभ्यता है, लोग सोचते हैं कि नहीं किसी से प्यार मत करो, ऐसे मत करो, किसी से भाईचारा मत करो, यह ऐसा मैसेज दिया जा रहा है आज के डेट में। जैसे जिस तरीके से मूवी आ रही है, लोग हमारे घर के बहू बेटी जितने होती है वो जाती नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अलग काम करें, अलग करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं तो न्यू फेस हूँ अभी, कोई ऐसा है नहीं है आइडिया, फिर भी मैं आगे देसी हीरा को लोगों के बीच पहुंचाना चाहता हूं। यही बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हाँ, मैं विवेक पटेल का तो नाम, मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है, अभी अपना जदयू पार्टी का भी यहां का प्रवक्ता भी हूं, यहां तो कोई जदयू पार्टी का अपना भी हो रहा है। बट मैंने सोचा कि एक फिल्म लाइन अलग ट्रैक होती है और फिल्म लाइन में एक बदलाव होनी चाहिए, जिस माध्यम से मैंने बताया अभी। और ये एक नागपुर के मराठियन और ये मिस वर्ल्ड भी, मतलब मिस लखनऊ, लखनऊ हो चुकी है, तो मुझे इनका लगा फेस देखा मैंने, बातें हुई तो इनके पापा से भी बात मेरा हुआ था, तो इस नाते में हम तो काम करते हैं। और यही मेरा देसी हीरा है। और आप सभी का, आप सभी जितने हमारे मीडिया सेल्स हैं, संजय भूषण भाई साहब हैं, ये लोगों के माध्यम से मैं सोचता हूँ कि एक देसी हीरा का ऐसा ऐड हो, ऐसा पहचान जाए, ताकि हमारी मूवी का लोग पसंद करें। और मैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी अपने भाई बंधु और बड़े बड़े जो एक्टर्स हमारे हैं, एक्टर लोग हैं, उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा अच्छी मूवी बना करके दिखाया जाए, ताकि हमारा भोजपुरी का जितने सभ्यता संस्कार है वो बरकरार रहे। मैं इसी के लेकर के बनाने जा रहा हूँ। पर्दे पे हीरा तो दिख रहे हैं, लेकिन हीरा के हीरो नहीं दिख रहे हैं, क्या रीजन है? नहीं, हीरो भी हैं, हीरो भी अभी आएंगे आप लोगों के बीच। नहीं, पोस्टर में इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि हीरा जब हीरा रहता है तो कहीं कोयले के खान में होता है, ठीक है, तो कोयले के खान से जब निकलता है तो लोग, सभी लोग देखने लगते हैं हीरा, तो वही अपनी कहानी है कि हीरो तो देखेंगी लेकिन कोयले के खान में से आकर के देखेंगे। हाँ, जतन से तो यह है। और पूछना चाहेंगे आप लोग के बारे में? तो मैंने बोल दिया है, बहुत अच्छे है सर, मेरे को मूवी का स्क्रिप्ट वगैरह सब अच्छा लगा, तो अभी आगे काम करते हैं। थैंक यू। रोल दुनिया बताना चाहेंगे, देशी हीरा एक यूनिक फिल्म के साथ आज लोगों किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने सभी भाइयों को प्रणाम करेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप लोग देसी हीरा, इसके जो प्रोड्यूसर हैं विवेक पटेल जी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, डायरेक्टर वही है, राइटर सभा वर्मा जी। और रही बात देसी हीरा की, देसी हीरा सब लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन नज़र किसी की नहीं जा रही, खास करके हमारे हीरोइन की नज़र नहीं जा रही है। देसी हीरा इधर ही बैठा हुआ है, इधर देखिए, देसी हीरा जो है देसी गांवटी टाइप का जो हीरा होता है, सर पे बाल ना हो, वही देसी हीरा होता है। और देसी हीरा तो इधर ही है ना, तो किसी की नज़र नहीं जा रही तो मैं क्या करूं? अब विवेक की भी नज़र नहीं जा रही है कि देसी हीरा कहाँ है, सामने बैठा हुआ हीरा। राम भाई ढूंढ रहे हैं। आप अपने आप को हीरा प्रेजेंट करें तो जो मैडम बैठी है जो टाइटल रोल कर रही है हीरा, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, हीरा दो होता है, एक हीरा होता है, एक कोहनूर हीरा होता है, तो ये कोहनूर है, मैं हीरा हूँ। जो इस फिल्म के राइटर हैं सवा वर्मा जी ने, जब मुझे बताया बहुत अच्छी कहानी लगी, कुछ मतलब यूनिक सेंस की गांवटी परिवेश में पूरी कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है। बाकी फरवरी में लोग फ्लोर पे जा रहे हैं, इस फिल्म का हिस्सा मैं भी हूँ, तो बहुत जल्दी ही
मज़ा आएगा, देसी हीरा खोजा जाएगा और गांव में ही खोजेंगे देसी हीरा, देखते हैं किसके घर पे मिलता है। क्या किरदार निभाने वाले? वही जो हमेशा करता आया हूँ, लोगों को हंसाना और अपने आप को बेवकूफ़ बनवाना। तो इसमें भी हंसाऊंगा अपने आप को, कुछ इसी टाइप का। बनवाना ही है, बन जाऊंगा। अच्छा, तो कभी ऐसे आप रियल लाइफ में कभी अपने आप को आपने बेवकूफ बनाया है? हाँ, जब बीवी के सामने जाता तो अपने आप को बेवकूफ ही बन के जाता हूँ। उसको ऐसा ना लगे कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, ऐसा लगता है मैं लल्लू टाइप के आदमी हूँ। अभी मेरी बड़ी मुस्कुराती है, बहुत खुश होती है कि वाह मेरा हीरो आया लल्लू टाइप का। जी ये हमारे शहर की हैं, लखनऊ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। और कि मैं थिएटर लखनऊ से किया, तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बहुत आगे जाएं आप। और जैसे कि अभी डेब्यू कर रही हैं और अच्छी भी हैं, अच्छी लग भी रही हैं, हमारी ऑडियंस भी पसंद आएंगी, तो भाई हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं। भोजपुरी सिखाने वाले देखिए क्या है, हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है, शुरू में हम सिखाते हैं, बाद में हीरो सिखाने लगता है। तो अभी तो मान लीजिए हम सिखा देंगे कुछ दिन, बाद में हीरो सिखाएगा अपने। और आपकी आने वाली फिल्मों की बात कीजिए। जी हमारी फिल्म अभी आ रही है राजा, शेर सिंह और बॉस और गबरू और बब्बर, रानी पेड़ से राजा, काशी विश्वनाथ, काफ़ी फिल्में हैं, कुछ फिल्में तो मैं नाम, हाँ राजा हिंदुस्तानी, काफ़ी फिल्में हैं जो इस साल आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तरह तरह के करेक्टर में, तरह तरह के। जी सबसे पहले तो मैं जय हिंद कहूँगा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले सभी तमाम भोजपुरी श्रोता के हमारा तरफ से नमस्कार। मैं मिनहाज अंसारी। फिल्म के बारे में बताइए, किस प्रकार की भूमिका है, किस प्रकार से जी, आप जी इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे विवेक जी और राइटर सभा वर्मा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, जिन लोगों ने मुझे इस फिल्म में काम दिया, मौका दिया कुछ करने का। और इसमें मेरा कैरेक्टर एक साधारण इंसान का है जो गांव के लिए भलाई करता है और गांव के भले के लिए सब कुछ करता है, सोचता है। और वो एक हीरा का कैरेक्टर है जो कि साफ सुथरी मूवी है, खूबसूरत मूवी है और पारिवारिक मूवी है। इसमें लव स्टोरी भी मिलेगी आपको देखने को, कॉमेडी सारा चीज़ मिलेगा और एक अलग ही ये मूवी है। मतलब भोजपुरी में बहुत सारी मूवी आती हैं लेकिन कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ही आती है, ये भी कुछ हट के ही है और अच्छी खूबसूरत मूवी है। सर अपना नाम बताइए और आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का किरदार है? मेरा नाम पड़ेगा राहुल कुमार मिश्रा, मेरा नाम पड़ेगा राहुल कुमार मिश्रा और मैं इस फिल्म में भाई साहब के साथ हूँ। और इस फिल्म में मेरी एक बहुत ही अच्छी भूमिका रहेगी जो मेरे भाई साहब हैं, मैं उनके साथ ही रहूँगा। एंड इस मूवी में मेरी सेकंड सपोर्टिंग रोल जहाँ तक ये मुझे पता है मेरी है। और इस फिल्म की कहानी मुझे बहुत ही अच्छा लगी, जब हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ये कहानी बताया मुझे, देन मैंने बिना कुछ सोचे बोला कि सर इसी की तलाश थी जिसे मैं कब से इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत नमस्कार है हमारे सर को, विवेक सर को, एंड उनका सपोर्ट रहा था। जब मैं मुंबई में कुछ दिन पहले आया था तो सर ने मुझे आशीर्वाद दिया था, बोला था बेटा तुम्हारे लिए जरूर कुछ सोचूंगा। सर उसका परिणाम है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आप लोग आशीर्वाद है। सर आप भोजपुरी के सुने वाला देखे वाला भाई लोग के प्रणाम। और इस फिल्म में मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ और एक सपोर्टिंग है और एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा रहता हूँ और पढ़ाई के नाम पर क्या करता हूँ आप सब फिल्म में देखिएगा, ये एक पारिवारिक फिल्म है, आप सबकी अच्छा लगेगा। देशी हीरा मतलब नाम से ही कुछ स्पेशल है। चलो भाई क्या और क्या कहना चाहिए पूरी टीम के बारे में? एक्चुअली अभी तो काम किया नहीं है बट विवेक सर और चंदन सर को मैं बहुत पहले से जानती हूँ और चंदन सर तो काफ़ी समय से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ही लिखा है ये स्टोरी।
तो लेट्स सी, अच्छा ही लिखा होगा आई एम श्योर। मिस लखनऊ रही हैं, भोजपुरी सिनेमा में एंट्री कर रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सब इतना सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स सभी आर्टिस्ट एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट है कि नहीं, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो हमारा सपोर्ट तो रहेगा ही। तो नमस्कार, मैं रत्न बना, देखिए देसी हीरा क्या बताऊँ, हर बेटा अपनी माँ की नज़र में देसी हीरा होता है, हर पति अपने पत्नी की नज़र में देसी हीरा होता है, हर भाई भी अपने बहन नज़र में देसी हीरा होता है, ये भी देसी हीरा है। गाँव पूरा गाँव थी ना देसी हीरा, जब जितना तारीफ किया जाए हम सीधा सारा आदमी के बारे में दर्शाया जाएगा सिनेमा में, हमको लगता है वहीं तक कहानी होगी, सारा सीधा इंसान की। आप किस रूप में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में? मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बुलाए हैं विवेक जी, मेरे अच्छे दोस्त हैं, फिल्म उन्होंने शुरुआत किया है, भगवान सफल करे फिल्म को, यही मेरी सब कामना है। पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं? बहुत बहुत बधाई। एक प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाता है तो कम से कम 100 लोगों के घर की चूल्हा जलती है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भगवान करे फिल्म बने सक्षम और लोगों के पीस जाए, पास जाए। मेरी आने फिल्म में कहानी किस्मत की, नाग नागिन की प्रेम कहानी और सुपर डॉन, ऐसे दो तीन और फिल्में हैं। सर आप फिल्मी सफर के बारे में बताना चाहेंगे? अरे अभिलाषा नाम इनका, अरे क्या हुआ भैया के साथ, और क्योंकि हम लोग भी जुड़े हैं तो हमें भी ब्लेसिंग्स चाहिए। फिल्मों की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर अभी तो मैंने हिंदी दो फिल्में की हैं और सीरियल्स कर रही हूँ, तो काफ़ी समय बाद मे बी मैं ये फिल्म करूं, बिकॉज़ जो राइटर हैं जो डायरेक्टर हैं वो तो हमारी फैमिली मेंबर जैसे हैं, मैं ज़्यादा उनसे क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर सकती हूँ कि मेरा क्या रोल है क्या नहीं है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है इसमें। सर अपना परिचय बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और ख़ास तौर से देसी हीरा के पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक वर्मा है, मैं आफ्टर 6 ईयर बाद जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर से कदम रख रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कहानी है पूरी देसी हीरा की जो कहानी है, ये ऑटोमेटिक अपने आप में एक यूनिक कहानी है, और हर परिवार की और हर समुदाय से रिलेटिव रखती हुई ये कहानी है, पारिवारिक कहानी, बहुत खूबसूरत अच्छी कहानी है। मेरी तरफ से साभा जी और विवेक कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सभा जी, वही चंदन जी। हाँ वही सभा जी, सभा जी कहना है, चंदन जी बात बोल रही हूँ मैं। सर मैं तो पिछले 10 ईयर से मुंबई इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने बीच में करीब 6 साल भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर रहा, मैंने काम नहीं किया, बट हिंदी मेरी कई सारी फिल्में, बॉडीगार्ड, बैंग बैंग, डिशुम, द्रोणा, विस्ट ऑन द मून, अभी 2 फिल्म ऑलरेडी रिलीज होने वाली है, मजनू, और एक फिल्म आ रही है कॉमेडी का तड़का, जो बहुत अच्छे बैनर थे और अच्छे लेवल पे रिलीज हो रही है। एक एज मेरी खुद की फिल्म आने वाली है डियर फादर, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी जाइएगा देखिएगा, और एक बार फिर से मेरी तरफ से पूरी टीम को देसी हीरा जिस तरह से ये यूनिक कॉन्सेप्ट है ये हर घर घर में पहुँचेगा, सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में पहुँचेगा, इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, और देसी हीरा के लिए मेरे लिए मेरी तरफ से खूबसूरत सा शेर पेश करता हूँ, इजाज़त है आप लोगों की? निशाने पर जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, निशाने पर जो लग जाए उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं, और ऐसा खूबसूरत अगर कॉन्सेप्ट मार्केट में आ जाए तो उसे तकदीर कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे सभी मीडिया वालों को और मुझे देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम, और आज देशी हीरा फिल्म का मुहूर्त है, एंड ये हमारे डायरेक्टर है विवेक जी, राइट? तो हमारे डायरेक्टर, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे ज़्यादा सबके बारे में पता नहीं है, और नाम से तो देख रहे खूबसूरती झलक रही, देसी हीरा मतलब देसी चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, और हीरे की ज़रूरत हर किसी को होती है, मुझे भी। तो नाम से ऐसा लग रहा है कि फिल्म बहुत एट्रैक्टिव है, स्टोरी अच्छी होगी, एंड आई होप मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, फिल्म अच्छी बने, अच्छी सुपर डुपर हिट हो,
नहीं कहना चाहूँगी। विवेक जी के साथ मैंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है तो ज़्यादा मैंने ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। हम मिले हैं 2-4 बार लेकिन अभी तक क्योंकि काम साथ नहीं किया तो इसलिए अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे बारे में। लेकिन वी आर अ वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई होप कि हम आगे अच्छा करें साथ में। पूरी टीम को, इस फिल्म के सभी हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आर्टिस्ट जितने हैं सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म बहुत अच्छी बने, ब्लॉकबस्टर हो, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ और आपकी पूरी टीम के साथ है। गॉड ब्लेस। एक्चुअली कोई राज नहीं है, परसों मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी हैदराबाद में जिसके डायरेक्टर सुब्बा राव जी हैं तो उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए ये लुक मैंने लिया था। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आप सबका सपोर्ट मिला तो ये ऐसे ही बरकरार रहेगा। साउथ अफ्रीका से आई हूँ मैं, राइट? नहीं नहीं, जस्ट ये अभी 2-4 दिनों के लिए, फिर मैं अपने पुराने अवतार में आ जाऊँगी बहुत जल्दी। जी, वो फिल्म काशी विश्वनाथ है फिल्म का नाम, जिसके डायरेक्टर सुब्बा राव जी हैं, हीरो रितेश पांडे जी हैं, हीरोइन आई थिंक काजल राघवानी जी हैं। मैंने उसमें एक गाना किया है गेस्ट अपीयरेंस, फर्स्ट टाइम मैंने सुब्बा जी के साथ काम किया, साउथ में जाके काम किया। रियली इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ के टेक्नीशियंस और वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका बहुत अलग है। वेरी गुड नेचर और सपोर्ट बहुत ज़्यादा, प्लस आर्टिस्टों की इतनी ज़्यादा कदर करते हैं वो लोग। पहले तक मैंने सुन रखा था कि साउथ के आर्टिस्टों की वहाँ पे मंदिर बनाई जाती है, पूजा होती है, अब समझ में आया क्यों। रियली वहाँ पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कलाकारों की। मतलब मैं गई पहली बार काम करने तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऑसम था। सब आप सबका प्यार है, हमारी पब्लिक का प्यार है, हमेशा मुझे इतना भर भर के प्यार देती है, उसके लिए तो मैं आज यहाँ पे हूँ जहाँ भी हूँ पब्लिक की वजह से। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी एक गाना मेरा रिलीज़ हुआ है दीप म्यूज़िक वर्ल्ड से, ओहिरे जगैया दुखाता। लेट मी कम्प्लीट क्लियर फर्स्ट कि ओहिरे जगैया इन द सेंस कि कमर के बारे में बात की जा रही और कुछ नहीं, तो प्लीज़ रॉन्ग वे में ना जाएं। तो गाना है कि लिख तरह माला रात भर ओहिरे जगैया दुखाता, हले के तरह हथिया पतलवा सैया मौला रात भर ओहिरे जगहिया दुखाता, बथता कमर ओहिरे जगहिया दुखाता, बथता कमर ओहिरे जगहिया दुखाता। आ गए ये बीच में। नहीं, अश्लीलता का आरोप मेरे ऊपर अभी तक नहीं लगा है और मेरे जो भी गाने मैंने अभी तक जो भी गाने गाए हैं वो डबल मीनिंग गाने गाए हैं, सिंगल मीनिंग मेरा कोई भी गाना नहीं है। बिकॉज़ क्योंकि सबको पता है भोजपुरी द्वर्थी भाषा है, हर जगह बोली जाती है, एक शब्द का 2 अर्थ निकलता है, तो मैंने डबल मीनिंग गाने गाए हैं, सिंगल मीनिंग गाने नहीं गाए। और संजय जी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे ऊपर अश्लीलता का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगा, मैं बहुत पाक इंसाफ हूँ फिलहाल। एज अ हीरोइन तो मुझे काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ 4-5 साल हुआ है, बट एज अ परफॉर्मर, एज अ सिंगर, स्टेज शोज, एल्बम करते हुए मुझे एटलीस्ट नियर 10 साल एटलीस्ट हो गए होंगे कम से कम काम करते हुए। रीज़न क्या बोलूँ, स्टेज शोज़ मैंने सारे स्टार्स के साथ किए, फिर चाहे पवन जी हो, दिनेश जी हो, मनोज तिवारी जी हो, स्टेज शोज़ मैंने सबके साथ किया एज अ सिंगर। बट हाँ, एज अ हीरोइन अभी तक काम नहीं कर पाई हूँ। पता नहीं, हो सकता है मेरा बैड लक हो या ट्यूनिंग नहीं हो या क्या बोलूँ, अभी इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकती। जब पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पवन जी, मैं शुरू से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। जब मैं स्टेज छोटे छोटे स्टेज शोज़ करती थी, जब इतना नाम नहीं था, फेम नहीं मिला था, तब उनके गाने जो लॉलीपॉप और सनिया मिर्जा कट नथुनिया एंड ऑल, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ पवन जी की। पर ये मेरा दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि अभी तक मुझे काम करने का मौका नहीं मिला है उनके साथ, एंड आई होप, क्रॉस माय फिंगर्स कि जल्दी मुझे काम मिले उनके साथ और मैं उनके साथ ज़रूर करना चाहूँगी। हाँ, खेसारी जी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मैंने उनके साथ काफ़ी स्टेज शोज भी किए हैं फिल्म, बट बैड लकली मैं फिल्म उनके साथ भी नहीं कर पाई हूँ, स्टेज शोज ही किया है फिलहाल।
हाँ कि सारी जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ एक काम करो, ये संजय भूषण पटियाला मुझे सवाल पूछ पूछ के मेरी मुझे मार डालेगा, इसलिए हम एक कर लें शूट ताकि ये सवाल ख़त्म हो जाए कम से कम। अभी रिलीज़ होने वाली है बजरंगी लाल, उसके बाद अभी काशी विश्वनाथ करके आई हूँ वो रिलीज़ होने वाली है, विजयी भवर रिलीज़ होने वाली है, काफ़ी सारी फिल्में बैक टू बैक है जो एक एक करके रिलीज़ होने वाली है। थैंक यू, लव यू ऑल, हरी शुभकामनाएं। थैंक यू। आने वाले 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अपने देश का नाम रोशन करें, झंडे फहराएं, चॉकलेट मिठाइयां बांटें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। सर आज देसी हीरा आपकी फिल्म का क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड ये चीज़ है देसी हीरा। एक्चुअली मतलब आप हमेशा देखते होंगे कि गांव घर से मतलब नए नए अनमोल रत्न निकलते हैं लाइक दैट, तो वैसे ही रिलेटेड है कुछ ये स्टोरी, मतलब एक ग्रामीण परिवेश में कैसे एक बंदा किस ढंग से स्ट्रगल करके और वो अपने आप को चमकाता है और अपने आप को एक देश की अलग सतह पे एक पटल पे लेके आता है एक अलग। एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाला एक अलग लड़के का किरदार है जो बहुत ही अल्लड़ है बचपन से, मतलब खेतों में हल चलाना वगैरह वगैरह लाइक दैट, पढ़ाई भी उसकी नहीं हुई है, एक मनमौजी किरदार है, मतलब एक मनमौजी लड़के का। हाँ आप कह सकते हैं कि ठेठ, मतलब लुंगी और गमछे वाला कह सकते हैं। मैं तो इन्जॉय करूँगा यार, रियली बहुत इन्जॉय करूँगा बचपन की चीज़ें, मतलब जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे स्कूल टाइम में जैसे मस्ती किया करते थे वैसे इस फिल्म में कम्प्लीटली मतलब वैसा ही कुछ परिवेश है। हिंदी में अभी कौन सी फिल्म रिलीज हो चुकी है? हिंदी में रेस 3 है, स्ट्राइकर है, दो मराठी फिल्म भी रिलीज हुई है मेरी प्रेमा चिनाते और मंगलसूत्र, और अभी आने वाली फिल्म में दबंग है जिसमें सलमान खान स्टारिंग है, और रेस 3 में भी मैंने सलमान सर के साथ में काम किया, अनिल कपूर, जैकलिन, और दबंग 3 में सलमान सर हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, सुदीप हैं, सुदीप के साथ मैं एक साउथ की फिल्म और कर रहा हूँ जिसमें सुदीप और जयराज एज एन एक्टर काम कर रहे हैं, मैं एज ए मेन फिल्म वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री से जुड़े भोजपुरी से फिल्में क्यों नहीं करते आप? पता नहीं बट हमेशा कोशिश किया है मैंने, भोजपुरी फिल्मों को प्रोत्साहन दी है, लोगों को सपोर्ट किया है, प्रोड्यूसर को डायरेक्टर को काफ़ी सपोर्ट किया है मैंने, मुझसे जो हो सकेगा सका है एज ए फंडिंग वगैरह ये वो मैं करते रहा हूँ भोजपुरी के लिए, बट भोजपुरी में कभी काम नहीं करने का हुआ क्योंकि मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ हिंदी थिएटर से और ज़्यादातर मेरा टाइम उसी में चला जाता है तो मैं उसी में लगा रह जाता हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा है कि अपने तरफ की कुछ फिल्में की जाए, तो एक फिल्म मैंने और की थी जो नदिया के पार में, मतलब नदिया के पार के बाद आफ्टर मतलब 17 या 20 ईयर्स यूथ सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारे राइटर डायरेक्टर जो सभा वर्मा है उन्हीं की फिल्म है, रानी वेट्स राजा, सॉरी, वो नेशनल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई है और देखिए शायद उसमें कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलकर मतलब निकल के आ सके। आप कहाँ के रहने वाले हो और मुंबई में कैसे आप? मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ, पटना में एक छोटी सी जगह है बाढ़, उस जगह का रहने वाला हूँ, और मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है आफ्टर 12, और यहाँ मेरी IT कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। आपने बोला सलमान जी के साथ फिल्में कर चुके हो फिर करने वाले हैं, कैसा लगा उनके साथ काम करके, कुछ बताएंगे शेयर करने के बाद? सलमान सर के बारे में कहना मुश्किल है, एक्चुअली में बहुत सपोर्टिव इंसान है, और जब एक्टर जाता है पहली बार, जब मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं कोई फियर था और लग रहा था कि शायद मैं काफ़ी नर्वस था एक्चुअली, बट उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया और कंधे पे हाथ रखे इस ढंग से समझाया कि सीन ऑटोमेटिक ऐसे ही इधर से उधर हो गया, बहुत ही सपोर्ट करते हैं वो, और रियली कहा जाए तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्टिव इंसान है और अपने को एक्टर को बहुत कोऑपरेट करते हैं उनके साथ काम करके। बहुत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बहुत सुलझे हुए इंसान है विवेक जी जहाँ तक मुझे पता है, और मुझे लगता है कुछ क्रिएटिव और कुछ बेहतरीन करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आपके बजट फिल्म में नई हीरोइन लॉन्च हो रही है, कैसा दोनों का कम्युनिकेशन रहेगा? मैंने उन्हें देखा है और बातचीत की है, जहाँ तक सुलझी हुई है, काफ़ी सुलझी हुई हैं और एक्ट्रेस भी अच्छी हैं, अभी देखते हैं किस ढंग से क्या हो पाता है, ऐसे ट्यूनिंग जमेगी उनके साथ में, तो बहुत सिंपल और सोबर है और काफ़ी सभ्य है। फिल्म कब तक शूट जाएगी? अप्रैल से तो मैं दबंग 3 के लिए बिजी हूँ, शायद अप्रैल के पहले या फिर अप्रैल के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जो अच्छा लगता है छोड़ते नहीं, निकाल लेते हैं।
जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ दिल से कि जो मूवी बन रही है लोग उसको पसंद करें और पूरे टीम की मेहनत रंग लाए और मोटिवेट होकर वो लोग दूसरा हीरा टू बनाए, हीरा देसी हीरा टू। जी सर, इसमें तो ये डायरेक्टर ही बता सकते हैं, एक्चुअली अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, सो बट हाँ कुछ ना कुछ कर रही हूँ मैं। डायरेक्टर जी डायरेक्टर आपके सामने बैठे हुए हैं, जितने सुलझे हुए ये दिखते हैं शायद इतना ही सुलझा हुआ इनका काम भी है, तो आई एम डैम श्योर कि लोगों को इनका काम भी पसंद आएगा, इनका डायरेक्शन भी पसंद आएगा और जो एक्टर्स हैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होके अपना बेस्ट दे सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच का जो रिश्ता होता है ना, जो बॉन्ड होता है, वो कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं कि इनके साथ कोई भी कंफर्टेबल जोन में जाके काम कर सकता है। और आपका फिल्म करियर की बात की जाए तो क्या करना चाहिए? फिल्म करियर तो देखिए अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे करते करते करियर बनता है, एक फिल्म कर लेने से तो करियर बनता नहीं है जी, तो बस स्ट्रगल है। अब तक क्या किया है, बता लेते हैं अपने बारे में? जी बिल्कुल, मैंने 3 हिंदी फिल्में की है और अगर मैं ये मूवी करती हूँ तो ये फर्स्ट भोजपुरी मूवी होगी मेरी, और जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, सिवान से, मेरा नाम अरुणा गिरी है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, तो मुझे भोजपुरी बहुत अच्छे से आती है, सो डेफिनेटली मैं भोजपुरी करना चाहती हूँ और इसलिए शायद मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ। ये तो भोजपुरी हम माटी के बाड़ी और बहुत ही हमने के मुलाकात एक हिंदी मूवी में हुआ था, हिंदी मूवी शायद एक तरफा नाम था उसका। हाँ, एक तरफा मूवी थी जिसमें हम लोगों ने साथ हम लोग अच्छा इन्वाइट किए थे वहाँ पे और अच्छा इनका काम भी लगा और बहुत बहुत बोलूँ तो देसी जो कहा जाता है ना, हम लोग भोजपुरी में ही बोलते थे काओ का हल बार ठीक बाजी तो यह सब चलता था, तो मैंने इनको सोचा कि अपने प्रोजेक्ट से जुड़ूं और देसी हीरा में। थैंक यू। पुरी का परचम हर जगह फैले है ना, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी टीम को, हीरो को, हीरोइन को, डायरेक्टर राइटर ये भाई उनका ये प्रयत्न जो है सफल हो, सक्सेस हो और बहुत सारा धन कमाए ताकि आप फिर फिल्म बनाए और मुझे दादी का रोल दे दें। और आपका आशीर्वाद भी रहता है ना? हाँ, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा लगता है, लोग प्रयास करते हैं है ना, और प्रयास जो करते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है। चलिए, थैंक यू। शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये फिल्म अपने आप में एक अनोखी फिल्म साबित हो और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रीजनल सिनेमा अपने आप में बहुत ही कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ रही है और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रही है। बात मैं भोजपुरी की नहीं कर रहा हूँ, मैं रीजनल सिनेमा की कर रहा हूँ और मैं वो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री इतनी ऊँचाई पर पहुँच गया है, बाहुबली, KGF ऐसी ऐसी फिल्में बना दी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो इससे भी और बड़ी ऊंचाई को हासिल करे, क्योंकि संख्या के मामले में, दर्शक के मामले में हम उनसे 3 गुने 4 गुने ज़्यादा हैं, बस इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े पीछे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे जो भोजपुरिया बेल्ट के लोग हैं, हिंदी बेल्ट के लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो थोड़ा इन्वेस्ट करें अपनी भाषा के लिए, वो अच्छी फिल्में बनाएँ और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना अच्छा फिल्म बनेगा। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छा टाइटल है और हीरो तो खैर मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सुपर हिट जाए और एक नया आयाम हासिल करे। बस एक अच्छी सी कोशिश है और एक अच्छी सी खूबसूरत सी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगा। इसके गीत संगीत पर काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और जैसा कि नवीन प्रकाश जी बोल रहे हैं, एक सिनेमा के उत्थान के लिए जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ करके काम करने की ज़रूरत है, तो उसी कोशिश के तहत हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक और, हाँ अभी मेरी लिखित एक फिल्म रिलीज होने वाली है रानी वेट्स राजा, जिसमें रितेश पांडे और रानी चटर्जी जी हैं, काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है, यूट्यूब से गाने काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उसको सेंसर बोर्ड से यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और बहुत जल्द रिलीज के लिए जाने वाली है,
ऑलमोस्ट फरवरी तक वो फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ, भोजपुरी की पूरी फ्रैटर्निटी को एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर अपना इतिहास भूल जाएंगे तो आपका भूगोल सच में थोड़ा गड़बड़ होने लगेगा। और सिनेमा के साथ, खास करके हमारी सिनेमा के साथ यही हुआ। अगर आप दिलीप साहब की पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो उनकी भाषा में, उनकी आवाज़ में एक भोजपुरिया छाप था, एक जो पुरवैया होता है ना, वो पुरवैया छाप था उनके ऊपर में। और भी कई सारे हीरो जो 60s 70s की फिल्में बनती थी, हाँ, अमित जी हो गए, गोविंदा जी हो गए, सब में एक पुरवैया छाप था। वो पुरवैया छाप आजकल धीरे 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 खत्म होने लगा, और जैसे जैसे ये पुरवैया छाप खत्म हुआ है तो फुहड़ता अपनी जगह लेने लग गया। तो ये हमको भोजपुरी में भी नहीं चाहिए। तो वो पुरवैया छाप जो देसी होता है ना, तो ये टाइटल अच्छा है, एक्चुअली में वो पुरवैया छाप हमको चाहिए इस फिल्म में। तो लोगों को पूरी परिवार के साथ देखने में मज़ा आए फिल्म की, यार क्या फिल्म है। और एक जो देसी हीरा है वो एक लड़का ऐसा होना चाहिए कि मतलब वो मज़ा आए कि यार ये मेरे परिवार का लड़का है, ये मेरे घर का लड़का है, ये मेरे समाज का लड़का है, और ये हमारे लिए अच्छा किया है। और उम्मीद है कि चंदन भैया इतने अच्छा लिखते हैं और इतना सारा कुछ लिख चुके हैं, मैं तो अभी आप लोगों को पता नहीं है, एक दो फिल्में इनकी ऐसी लिखी हुई है, उनका मुरीद हूँ मैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनके साथ बैठ के, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। Thank you.